हेलो गाइज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों वीडियो को थंबनेल के ऊपर आप देखे हुए हैं कि फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करें और दो मिनट में आपको हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई सा भी सामान अगर आप बुकिंग किए उसे रिटर्न करना है, अगर आपको कस्टमर केयर से बात करना है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से, अगर आपको कैसे बात करना है दोस्तों, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों आपको वीडियो के स्क्रीन पर। और दोस्तों मैं आपको ऐप के भी माध्यम से मैं आपको बताऊँ कि कॉल रिक्वेस्ट करिए। इस वीडियो को दोस्तों आप वीडियो शुरू से लास्ट तक लेकर देखते रहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप नए आए हो, इस चैनल को पहले दोस्तों इस चैनल को पहले लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चैनल पर नए आए हो चैनल को रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दीजिए और यहाँ ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जैसे जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपको वीडियो पहुँच जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों जिस टॉपिक हम बात कर रहे थे, दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल के स्क्रीन यानी मोबाइल के बगल के यानी आप मोबाइल के स्क्रीन ऊपर आप देख लीजिए, एक फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर का नंबर शो करता होगा, उस पर कॉल लगाइए। अगर आप उस पर अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप तो फ्लिपकार्ट दोस्तों पहले ओपन करिए। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिए। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें दोस्तों, इसको नीचे कर दीजिए। नीचे करते जाने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपको मिलेगा हेल्प एंड सेंटर का ऑप्शन। हेल्प एंड सेंटर का ऑप्शन मिले तो इसको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जिसको इसको ऊपर करते जाइए। तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट सर्विस इक्वर्सन, तो ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन में क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों से जो आपका सेलेक्ट करना है तो कर लीजिए। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल में दोस्तों माने तो सेकेंड वाले ऑप्शन में चूज कर लेता हूँ। सेकेंड वाले ऑप्शन में चूज कर मैं दोस्तों आपको यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट USP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है रिक्वेस्ट कॉल 5 मिनट, तो ये वाले आइकन पर क्लिक करिए। ये वाले क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे भाषा सेलेक्ट कर लेना है हिंदी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट टाइम स्लॉट, तो ये वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 5 मिनट मार दीजिए। 5 मिनट मारने के बाद दोस्तों आपको मैसेज में लिख दीजिए प्लीज़ सर कॉल मी बैक और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कुछ ही मिनट के बाद आपको कॉल आएगा फ्लिपकार्ट जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो वाले को कॉल आएगा, तो आपको बोल देना अगर आपका कोई सा भी सामान आपका प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम को आप बता देना है कि सर मुझे ये सामान रिटर्न करना है, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया सामान, जैसे कि आ गया दूसरा प्रोडक्ट आ गया, तो आप इसी टाइप से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस पर कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको हेल्प करने का 24 घंटा मैं आपको कोशिश करूँगा, तो दोस्तों होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप दोस्तों ऑल इंडिया कहीं से भी। और मुझे दोस्तों कॉल करने का मैं समय आपको बता देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर 11 रात यानी 11 बजे रात में कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी फ्लिपकार्ट पे प्रॉब्लम हुआ तो दोस्तों मुझसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा 3 साल से इस फ्लिपकार्ट पे एक्सपीरियंस के साथ है। तो दोस्तों मैं 3 साल से फ्लिपकार्ट पे रिटर्न और रिप्लेस करते रहता हूँ, सामान मैं ऑर्डर करते रहता हूँ। दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, मुझे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। पहले कस्टमर केयर से पहले हेल्प लीजिए, अगर कस्टमर केयर आपको हेल्प नहीं करेगा तो दोस्तों मुझे बाद में मुझे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जितना भी ग्रुप हुआ सबको शेयर कर देते जिससे वो भी फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के बात कर सकें।